नागपुर कामगार नगर चौक से दीपक नगर मुख्य मार्ग के रूप में टायर चौक से बाबा बालकनाथ मंदिर तक के इलाके के रास्ते की समस्या के चलते पिछले 15 साल से इस इलाके के लोग और परिवहन करने वाले लोग काफ़ी परेशान हैं। रास्ते की समस्या को लेकर लोगों ने कई बार नगर निगम और इलाके के नगर सेविकों को निवेदन पत्र लिखा है। नागपुर में रास्ते की समस्या के चलते लोग काफी परेशान है। वैसे ही कामगार नगर चौक से दीपक नगर मुख्य मार्ग के रूप में टायर चौक से बाबा बालकनाथ मंदिर से रिंग रोड तक मुनानक कर्मगिरी कॉलेज से दीपक नगर चौक से कुहावर बाजार तक एक बधिर स्कूल के लिए WC2 रोड कबीर नगर चौक तेगिया कॉलोनी गुरु नानक का पिछला हिस्सा कॉलेज टायर वाला चौक दीक्षित नगर कॉलोनी चौक से मानस मंदिर चौक से मयूर नगर बाबा दीप सिंह नगर कंपनी चौक रोड त्रिभुवन हाउसिंग सोसाइटी KGNA सम्राट अशोक कॉलोनी नीलगिरी परिमेर बाबा बालकनाथ मंदिर दलित नंबर 12 भाई कॉलोनी दीपक नगर एल समर्थ नगर मयूर नगर कामगार नगर राजगृह नगर इन इलाकों के रास्ते को लेकर पिछले 15 सालों से स्कूल के बच्चे इलाके के लोग परिवहन करने वाले लोग काफी परेशान है। इस समस्या की वजह से लोगों को हादसे का शिकार होना पड़ रहा है। लोगों ने रास्ते की समस्या के चलते नगर निगम नगर सेविका और कई सारे मंत्रियों को निवेदन किया है पर पिछले 15 साल से इस इलाके की हालत आज भी वैसे की वैसे ही है। इस मामले में किसी ने भी कोई काम नहीं किया है। बारिश में इन इलाकों में कई सारे रोड हादसे की घटनाएं सामने आती है। लोगों ने सरकार से भी इस मामले में गुजारिश की है। VKB न्यूज के लिए रोशन बोकड़े के साथ लीना कटरे की रिपोर्ट। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं मेरे पीड़ित जनता की ओर से आपका शुक्रगुजार हूँ जो कि सच्चा पत्रकार ये पानी हवा धुन और कुछ भी रहेगा तो भी आते रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 15 साल से पीड़ित जनता है इधर की, दीपक नगर से लेकर तिगिया कॉलोनी बाबा बालकनाथ मंदिर से लेकर सम्राट अशोक नगर स्कूल के बच्चे से लेकर तो काम करने वाले लोग यहाँ से जाते आते रहते हैं। पिछली 15 साल से आमदार नितिन राउत से लेकर नितिन गडकरी साहब तक के पत्र व्यवहार हुआ और शासन प्रशासन NID और कॉरपोरेशन इनको भी दिया गया है, पत्र व्यवहार हुआ है। ये NID के कंट्रोल में ये एरिया आता है और हमने एक सामाजिक कार्यकर्ता को पकड़ के हाईकोर्ट में लिटिगेशन डाली थी तो वह पिछले महीने में वो खारिज हो गई थी कि भाई ये रोड किसके है ये आप बता नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम आपकी ये याचिका जो है वो खारिज कर रहे हैं और आपको फिर से जिन लोगों की ये रोड है जिस डिपार्टमेंट के ये रोड है ये रोडों के ऊपर में उनके अख्तियार में जो आती है उनको फिर से एक अपील की जाए करके न्यायालय ने उच्च न्यायालय ने हमको दिशा निर्देश दिया है। तो हमने अभी वही दिशा निर्देश को देखते हुए उसकी जेरोस कॉपी माननीय नितिन गडकरी साहब नितिन राउत और NID के सभापति और महानगर पालिका के आयुक्त और जिला कलेक्टर को उसके निवेदन की कॉपी दे दी है। पिछले कुछ दिनों में यह रोड की मेजरमेंट लेके गए हैं, अब क्या करते नहीं मालूम। हम तो कोशिश ही कर रहा है कि ये काम होना चाहिए और कल की बात बता रहा हूँ, लेटेस्ट है, कल एक भाई गर्भवती थी वो टेम्पो से जा रही थी दवाखाने में लेकिन वो टेम्पो के गड्ढों के कारण वो टेम्पो में अपनी बच्चों को जन्म दी। ये आपको बताते हैं और सवेरे से शाम तक के कितने लोग गिरते रहते हैं यहाँ से और कई जख्मी होते रहते हैं, यहाँ से लेके जाने के लिए लोग तत्पर रहते हैं। मैं आपको इतना बड़ा मंच बता सकता हूँ, गिनती के हिसाब से मेरे पास में कम से कम 25-30 कंप्लेंट होंगी, उसके जवाब भी नहीं देते लोग। तो क्या हम लोगों ने इनको ऐसे ही चुन के दिए क्या, क्या हमारे ऊपर में इतनी कौन सी नाराजगी है? इन लोगों ने ये काम करना चाहिए, शासन प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए, मैं ऐसी विनंती कर सकता हूँ। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।